नमस्ते प्रणाम, मैं निरंजन और आप देख रहे हैं निरंजन के वीडियोस को। एंड गाइस, पहले सबसे माफी मांगना चाहता हूं कि काफी 8-9 दिन के बाद ये ब्लॉग आ रहा है, तो इसलिए माफी चाहता हूं। और एक्चुअली कुछ हो गया था, मतलब ब्लॉग बनाने का उतना टाइटल नहीं मिल रहा था, इसलिए नहीं बनाया। तो बस इस ब्लॉग में हम जा रहे हैं मधु विहार और कुछ DTC बस का कुछ व्यू दिखाएंगे, उसके बाद फिर सीधा मधु विहार, वहाँ बर्थडे पार्टी है, कुछ वहाँ का भी कुछ सीन दिखाएंगे। तो बस ब्लॉग में जाहिर सी बात है मजा आने वाला है, तो चलो इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए। गाइस, हमारे साथ हमारा मुन्ना भी जा रहा है। मुन्ना, हेलो। गाइस, अभी आ गए हैं बस स्टैंड पर और बस आने में काफी टाइम लग रहा है, 15 से 20 मिनट हो गए खड़े खड़े। और ये रहा बस स्टैंड अपना, देखते हैं कब तक बस आएगी, उसके बाद बस में बैठेंगे, फिर कुछ सीन दिखाएंगे। वहाँ DTC में बैठ गए हैं। अभी हमने बस चेंज कर ली है और अभी मधु विहार वाली बस में बैठते हैं। ठीक है, देखिए रहा उधर से दूसरी बस अच्छी लग रही है, बस का भी दिखाता हूँ। हम बस में करीब 3 घंटे ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, 3 घंटे क्या लगता है, बहुत ही लॉन्ग टाइम है। बस स्टॉप पे आ गए हैं, पीछे मधु विहार है और इधर हमको जाना है पानी टंकी की तरफ, दिल्ली जल बोर्ड। बस मेरी बस अपनी आए थे, अभी हम अब चल रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं, मैं और मुन्ना कैसा लगा बस में? बहुत अच्छा। बस में सफर करके 3 घंटे का सफर, और ये देखो हैप्पी बर्थडे बैलेंस, और मिलते कुछ। ऑलमोस्ट 4 फ्लोर चढ़ने के बाद हम आ चुके हैं छत के ऊपर। छत से कुछ ऐसा व्यू है, देख लो मधु विहार का, देख लो इधर तो पूरा जल, इधर दिल्ली जल बोर्ड है, इधर कुछ लोगों का घर है, इधर कुछ लोगों का घर, और ये अभी बन रहा है, जैसा देख लो बाथरूम इधर भी कुछ बनेगा ही। कैसा लग रहा है मुन्ना छत पे आकर? बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा, सब चीज़ में से अच्छा ही लगता, और कुछ नहीं लगता। ये देख लो यार, फोन गया नीचे तो भूल जाओ फोन को, सही बात है। मिल चुका है एक छोटा सा बच्चा जो बहुत शरारत कर रहा है, देखो। हेलो हेलो, तो गाइस बर्थडे इज फिनिश और केक वेक कट चुका है, मैं दिखा दिया आपको केक कटिंग का सीन, और बस कुछ अभी कुछ देर में खाना पीना खाते हैं और उसके बाद करेंगे इस ब्लॉग को एंड, कल सुबह ब्लॉग को एंड करेंगे वैसे तो। बस तो गाइस गुड मॉर्निंग, और अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30, अभी मैं छत पर आ चुका हूँ, रात को मस्त खा पी के सो गए थे, और मैं ऊपर आया हूँ सिर्फ इसलिए ताकि इस ब्लॉग को एंड कर सके आप, क्योंकि हम वज्राबाद से मधु विहार आ गए हैं, क्योंकि इधर से वापसी का मैं ब्लॉग नहीं बनाऊँगा क्योंकि अच्छा नहीं लगा, क्योंकि फ़ोन में नेट नहीं है, चलाने का मन करेगा नहीं उतना। बाकी सुबह का ही वो कुछ व्यू, मैं थोड़ा गला ख़राब हो चुका है मेरा, देख लो पानी चेंज हुआ है ना, थोड़ा गला ख़राब होगा। तो बस यार यही है इस ब्लॉग में इतना ही, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ ब्लॉग को करिएगा लाइक शेयर, और हाँ गाइस अगर आप पहली बार आए हो हमारे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना निंजन के वीडियोस को। तो बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, अपनी फैमिली का, मिलते हैं।